हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा बैंक की तलाश है जिस बैंक में आप ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाए, आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी के साथ साथ आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड इंस्टेंट मिल जाए और आप अपने उस अकाउंट का यूज कर पाए। साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि उनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आप विदाउट पैन कार्ड कोई ऐसा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पर आपका अकाउंट इंस्टेंट ओपन हो जाए, आपको अपने अकाउंट के सारे इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल जाए, आप अपने उस अकाउंट का यूज कर पाए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बेस्ट बैंक है और ये बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइवेट सेक्टर का नंबर वन बैंक है और ये बैंक आपको काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ये बैंक आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आप ऑनलाइन ही इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वे आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की तरफ से आपको इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बैंकिंग की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। आप एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन यूज करें जैसे कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, इसके अलावा और भी कई सारे यूपीआई एप्स हैं, तो आप उन सबका भी यूज इंस्टेंट कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक आपको दो तरह से केवाईसी कंप्लीट करने की फीचर्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है, आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांच विजिट करके भी अपना फुल केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो आप विदाउट केवाईसी भी इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे और अपने इस अकाउंट का यूज कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो विदाउट पैन कार्ड भी आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का नंबर वन बैंक होने के बावजूद भी ये बैंक आपको जीरो बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक में कई तरह के सेविंग्स अकाउंट ओपन किए जाते हैं। कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे भी हैं जो अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत पड़ेंगे, और कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे हैं जो अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए इलिजिबल होते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह का लोन लेने की जरूरत पड़ गया जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो आप काफी कम इंटरेस्ट रेट पर एचडीएफसी बैंक से अपना लोन ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाएगी, इस डेबिट कार्ड की अगर आप डेली ट्रांजेक्शन लिमिट देखेंगे तो वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा आपके सेविंग अकाउंट पर जितना भी बैलेंस होता है उस पर भी आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी एचडीएफसी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इस बैंक में आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आप किस तरह से एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि आप किस तरह से इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पैन और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना होगा।
इसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, फिर आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा, फिर आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जिस पर में OTP आएगा, तो आपको वेरिफिकेशन करना है। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है आप अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, डेट यहाँ पर आप एंटर करेंगे, मंथ यहाँ पर, और जो भी आपका ईयर होगा वे ईयर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नीचे में यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट नाउ का, आप यहाँ पर स्टार्ट नाउ वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको अपनी टाइटल सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका टाइटल होगा, मिस्टर, मिस या फिर MX जो भी आपका टाइटल है आप अपना टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो भी आपका फुल नेम होगा, आपके डॉक्यूमेंट पर, आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर जो भी आपका फुल नेम होगा आप अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने वहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, आप अपना OTP कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना OTP कोड एंटर कर चुका हूँ। अगर OTP नहीं आता है तो आप उसे यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ से सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिया हुआ है, नीचे आएंगे और इसे यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको अपनी एक आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होगा वे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर टिक लगा करके आप इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर चुका हूँ, इस टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने यहाँ पर टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर में एक OTP कोड सेंड किया जाएगा आधार वेरिफिकेशन के लिए। आप अपना OTP कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले लिया जाता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस वगैरह। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से आपको अपना रेजिडेंट टाइप आपको सेलेक्ट करनी है। नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि HDFC बैंक का जो वेलकम किट होगा वे कहाँ पर सेंड किया जाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पर सेंड किया जाएगा तो आप इसे यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो करेंगे, इसे टर्न ऑफ कर देंगे। और जिस भी एड्रेस पर आपको वेलकम किट मंगवाना है वे एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 यहां पर, 2 यहां पर, लैंडमार्क यहां पर, पिन कोड यहां पर, सिटी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री वगैरह जो भी होगा वे एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे, जिस भी एड्रेस पर आपको HDFC बैंक का वेलकम किट मंगवाना है। तो मुझे कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही मंगवाना है, हम इसे यस कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आपको HDFC बैंक के कौन से ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप फिल कर देंगे। जब आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा तो नीचे में यहाँ पर देखिए आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपने अभी तक जितने भी इन्फॉर्मेशन फिल किया है वे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है, जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है या फिर करेंट अकाउंट आपको ओपन करना है या फिर आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है। तो मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है वे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने ईमेल एड्रेस आपको फिल कर देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा।
यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम आपको फिल करना है कि आप साल में कितने कमाते हैं। यहाँ से आपको सोर्स ऑफ फंड आपको सेलेक्ट करना है कि आपका इनकम कौन से माध्यम से आता है, और इसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा आप अपना पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पैन नॉट अवेलेबल का, आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर फिल करने का ऑप्शन आपको नहीं आएगा, आप नहीं भी फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वे आप कितने दिन से करते हैं, तो जो भी आपका मंथ होगा और जो भी आपका ईयर होगा वे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो भी काम करते हैं वे गवर्नमेंट फॉर्म है या फिर प्राइवेट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस भी फर्म में आप काम करते हैं वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। यहां से आपको नेचर ऑफ बिजनेस आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं वे आप किस पर्पज से करते हैं। जैसे कि अगर आप एजुकेशन रिलेटेड काम करते हैं तो आप यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड को सेलेक्ट करेंगे। फिनांशियल रिलेटेड आप काम करते हैं तो आप यहाँ पर फिनांशियल रिलेटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर हॉस्पिटल वगैरह का काम करते हैं तो वे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट वगैरह आप करते हैं तो वे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। लेबर का काम करते हैं तो वे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा मतलब आप जो भी काम करते हैं वे किस पर्पज से करते हैं वे आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जब आपका ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो नीचे में यहां पर देखिए आपको दो टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेगा। यहाँ पर पूछा जाता है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आप इसे यहाँ पर यस रहने देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो आप इसे भी यहाँ पर यस करेंगे अगर आप इंडिया में ही सिर्फ टैक्स पे करते हैं तो। इसके बाद जब आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा तो नीचे में यहाँ पर देखिए आपको प्रोसीड का एक आइकॉन मिलेगा, आप यहाँ पर प्रोसीड वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, अपना एक प्रोफाइल फोटो आपको अपलोड करना है। प्रोफाइल फोटो सेलेक्ट करने के लिए आप यहां पर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपका प्रोफाइल फोटो होगा आप उसे वहां से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहां से अपलोड एंड अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इन सारे बॉक्स में आपको टिक लगा करके इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आपका अकाउंट HDFC बैंक में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका कस्टमर आईडी होगा वे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो भी आपका IFSC कोड होगा वे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पर भी सेंड कर दिया जाता है। अब आप विदाउट KYC अपने इस बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी पैसा मंगवा सकते हो। लेकिन अगर आप पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जाकर के ही आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे में यहाँ पर देखिए स्टार्ट वीडियो KYC का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, आप यहां पर स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर देखिए वीडियो KYC का टाइम दिया गया है 10 AM to 8 PM, मतलब 10 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे के रात तक ही यहां पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहां पर स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से HDFC बैंक का कोई भी एजेंट आपके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड उन्हें दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आपको अपनी आधार कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेंगे। इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर पर, सादा पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करके उन्हें दिखाने होंगे। इसके अलावा जब आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करते रहेंगे तो आपके डिस्प्ले पर में कुछ कोड आएगा, वे कोड आपको उन्हें बताने होंगे और फिर आपका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से आप HDFC बैंक में ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी आप अपने इस अकाउंट का यूज कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आपको चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेंगे अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं
तो इसके अलावा जब आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फंडिंग भी करने होते हैं। हो सकता है 10,000 या फिर 5,000 रुपीज आपको वहां पर फंडिंग करनी होगी, लेकिन ये कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आपको कोई भी बैलेंस बाद में मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आप जिस टाइम में अकाउंट ओपन करेंगे उस टाइम में आपको फंडिंग करनी होगी। बाद में आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। साथ ही अगर आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं, विदाउट KYC आप यहां पर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप अपने इस अकाउंट का यूज ओनली 1 ईयर तक आप कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद आपके इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, इसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप KYC कंप्लीट कर लेते हैं बाद में भी किसी भी थ्रू से, चाहे ब्रांच विजिट करके या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो आपका ये अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं होगा। आप अपने इस अकाउंट का यूज लाइफ टाइम कर सकते हैं। जैसे ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपका वेलकम किट होगा HDFC बैंक का, उसमें आपको पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक आपको देखने को मिल जाएंगे। वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। 1 वीक या फिर 2 वीक के अंदर में जैसे ही आप KYC कंप्लीट करोगे, आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट वेलकम किट पहुंच जाएंगे। आई होप आप सब कुछ क्लियरली समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स रह गए हैं तो आप अपना क्वेश्चन इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से हम आपके सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में ना दे पाए, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवाल के जवाब एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।